इन तथाकथित धर्माचार्यों से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तथाकथित धर्माचार्य धर्म का लेश मात्र इसमें नहीं है। हम अनशन में बैठ रहे हैं और 18% के अध्यक्ष हमको कहते हैं यहां से लेकर पटना तक का पेपर निकला है, हम क्या कहते हैं ब्रह्म राक्षस है, हम तत्पर हैं, हमारे इतनी बात जरूर स्वामी जी के हमें भी अपने शिष्यों पर गर्व है और हमारे शिष्यों को मार मार करके डंडा मार मार करके ऐसे घोष किए कि चलो घर द्वार छोड़ा है तो सब 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 सुन और हमारे शिष्यों को दिखला दिया। इस बार तो ये था, इसमें 20 वर्ष का बच्चा हमारा हृदय विनिंद्र हो जाता था इसके लिए, और इसी जब हॉस्पिटल में नींबू पानी नहीं दिया, जेल में जब जब कोर्ट में जाता है मजिस्ट्रेट पूछते कहाँ जाएंगे, जेल या हॉस्पिटल, तो नहीं हमको जेल दे दो हॉस्पिटल में, इतना हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में, और उस जेल में उनके दो भाई और थे उससे उसको दूर रखा जाता था, और जब कभी मिलता था इसलिए दूर रुड़की ले गया, और उद्देश्य ये था हम यदि रुड़की मिलने के लिए जाए तो जेल से पता चल जाएगा हम मिलने के लिए रास्ते में बुरा है। तो मामूली से एक अकेले क्यों इतना हो रहा है, तो लाखों करोड़ों का गंगा को खोद कर कितना में एक भी पत्थर आता नहीं है और कितना गंगा को खोदेगा, कहां गंगा जाएगी। तो हमारी विविधता ऐसी है वो प्रत्येक बिंदु पर होगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या होगा कि एक है साधे सब जाए सब साधे सब जाए, हम लोग एक बिंदु को लिए हैं, एक बिंदु पर कंसंट्रेट करेंगे पूरी ताकत वहां गुजरेंगे, कुछ दिन को फटा करने के बाद वो झंडा लेके आगे जाएंगे तो स्वतः दूसरा दिन जो होगा स्वतः हो जाएगा, और ऐसे करके प्रत्येक बिंदुओं को लेकर के जब हम लोग करेंगे तो बहुत कठिन काम नहीं है, और हमारे साथ हमारी माँ है, प्रकृति माँ मेरे साथ है, और मैं दावा करता हूँ सचमुच में उसकी गोद में खेलता हुआ यदि नहीं निकलता तो मैं बच पाता नहीं, मेरा संन्यास और हम ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने में भी मुझे परेशानी हो रही है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं छोटा सा आग्रह करूंगा कल होगा तो और बातें मैं उसे बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ क्यों मैं इसमें पड़ा, लेकिन हमारे आमरा हृदय विलीन हो जाता है गंगा के विभीषिका को, क्यों गंगा किनारे हमारा वास वास है, और अपनी माँ को जैसे विरक्ते हुए देख करके पुत्र जैसे विरक्त न हो, तो पुत्र नहीं है तो मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि हम जब उस दिन तक जाएंगे तो आप लोगों से यही है, आप बुद्ध समाज के हैं, विद्वान हैं, चिंतन कर, और एक बात और मैं आप लोग बता दूं, कोई वैज्ञानिक बुरा मत माने क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक जगत से आया हूँ, आपके वैज्ञानिक जो रिसर्च हुआ करते हैं वो एक भी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं, मैंने वैज्ञानिक को देखा है साल में एक बार उनकी टीम आई हमें पूछेगी कहाँ कहाँ पानी मिल रहा है कहाँ कहाँ ये वहां से सैंपल ले गई या कर लेबोरेटरी में टेस्ट करेगी और कुछ रिजल्ट निकाल कर अपना दे दे और ऐसी डाटा कलेक्ट कर ले उसके आधार पर कौन सा डाटा और स्टेटिस्टिक तो आजकल टेबल पर बनता है